अस्सलाम वालेकुम, आज फिर हाजिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि ये एक नया विला दिया है। अभी इसकी रेनोवेशन हर एक चीज कंप्लीट हो गई है। अभी मैं आपको स्टार्ट से पूरे के पूरे विले का आपको रिव्यू करवाता हूं कि ये दिखने में कैसा है। और अभी इसके अंदर फर्नीचर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है। यहाँ से एंटर होने के बाद ये एक हॉल है, छोटा सा हॉल है। यहाँ पे इस हॉल के बाद यहाँ पे एक छोटा सा उन्होंने गार्डन बनाया हुआ है। ये आर्टिफिशियल है, ये वाला जो गार्डन बनाया हुआ ना, ये टोटल आर्टिफिशियल है। यहाँ पर एक साथ में ही बेडरूम है और यहाँ पर एक झूमर लगवाया हुआ है। ये बहुत ही आला किस्म का झूमर है इसके अंदर। इधर भी मैंने झूमर लगवाया है। ये लाइटें हैं जो ब्लिंक करती रहती हैं। यहाँ पे टीवी आ जाएगा। टीवी आने के बाद साथ में भी एक छोटा सा डोर एंटर होने के लिए, एसी वगैरह सब कुछ हो गया है। यहाँ पे आपको इसकी फिटिंग नजर आ रही होगी। ये हमारा वॉशरूम का मिरर है। यहाँ पे एक वॉशरूम है अटैच, इस रूम के लिए अटैच वॉशरूम है। और इसके साथ में भी लाइटिंग बहुत प्यारी लग रही है। इसके बाद हम इधर आ जाते हैं। इस साथ में ही किचन बहुत ही प्यारा फैंसी और यूनिक किस्म का किचन बनाया हुआ है। किचन को देख के दिल खुश हो जाता है। इसमें भी एक छोटा सा झूमर लगाया है बस फैशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक वॉशरूम दिया हुआ है। ये वॉशरूम कॉमन हॉल के लिए, जो मतलब यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ पर जो अगर कोई यूज करेगा तो कॉमन वॉशरूम को यूज करने के लिए यहाँ पर इजीली हो सकता है। और जो उस बेडरूम में होगा वो उधर का जो अटैच वॉशरूम है वो यूज करेगा। अभी हम सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, ऊपर का आपको नजारा करवाता हूँ। यहाँ पर सीढ़ियों में आने के लिए बहुत ही फैंसी लाइट लगवाई हुई है, ये वाली। और वो दोनों एक किस्म की है, दोनों एक साथ की है। ये ऊपर भी चल रही है, ऊपर वाली लाइट अभी किसी ने ऑन की नहीं। यहाँ पर एक छोटा सा शूरेक, ये वाला शूरेक बनाया हुआ है। यहाँ पर तीन बेडरूम है जिनमें से जो हर एक को अटैच वॉशरूम है, झूमर फैंसी हर एक के। यहाँ पर भी अटैच वॉशरूम आपको नजर आ रहा होगा। साथ में बाथरूम में शावर का डिजाइन चेक करो, बहुत ही अलग किस्म का शावर का डिजाइन है। इसके बाद इसके साथ वाले में भी अटैच, क्योंकि जो हर एक रूम है ना, हर एक रूम में अटैच वॉशरूम और बहुत ही अलग किस्म का वॉशरूम है। डिजाइन सबका सेम सेम ही है। इस रूम में भी जो झूमर लगा हुआ है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके बाद ये साथ वाला देख लेते हैं, चल चल के सांस भी चल गया हुआ है, ये भी डिफरेंस है। बाकी ये वन बेडरूम है, साथ के अंदर ये कबर्ड्स, कबर्ड्स में आप कुछ भी रख सकते हो, कपड़े वगैरह। और बिल्कुल साथ में एक बड़े वाला, ये वाला जो बाथरूम बनाया हुआ ना, ये बड़े वाला है। इसके अंदर भी यहाँ पे लाइट्स वगैरह, ये फैंसी लाइट्स है और वो उसका बिल्कुल डिजाइन सेम सेम है। ये डबल स्टोरी है। अभी चलते हैं वापस, ये सारी लाइट्स बंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी रेनोवेशन तो हो गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लाइट्स ऑफ कर देते हैं सब की सब, क्योंकि अभी लाइट्स की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये भी ऑफ हो गई क्योंकि अभी यहाँ से निकलना, क्योंकि ये गंदा है, इसको अभी क्लीन करवाना है। क्लीन करवाने के लिए मुझे क्लीनिंग बुक करनी पड़ेगी और क्लीनिंग बहुत एक्सपेंसिव है आजकल यहाँ पे। कम से कम 1000 तरह लगे क्लीनिंग वाले अगर इसको क्लीन करवाना होगा तो। ये किधर से बंद होगा, ये यहाँ से बंद होगा। हर एक चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट है और रेडी है, बस इसमें सामान शिफ्ट करना है। सामान शिफ्ट करने के बाद हमने इधर शिफ्ट हो जाना है। आज मैं आया था बस इसका चक्कर लगाने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या कंडीशन है, क्योंकि अभी चेक करना था पानी वगैरह चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कि नहीं आ रही। तो पानी भी चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है, सब कुछ हो गया है, सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट होना बाकी है। शिफ्ट होने से पहले सबसे पहले मुझे यहाँ की क्लीनिंग करवानी पड़ेगी। क्लीनिंग करवाने के बाद फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप इस वीडियो में कमेंट करोगे तो फिर फैमिली के साथ इस पूरे विले की दोबारा से वीडियो बनाकर आपको सेंड करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में।